एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गरुण को यक्षराज कुबेर के सरोवर से सुगंधित कमल लाने का आदेश दिया। गरुण को यह अहंकार तो था ही कि मेरे समान बलवान तथा तीव्रगामी प्राणी इस त्रिलोक में दूसरा नहीं है। वे अपने पंखों से हवा को चीरते तथा दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए गंधमादन पहुंचे और पुष्प चयन करने लगे। वही महावीर हनुमान जी का आवास था। वे गरुण के इस अनाचार को देखकर उनसे बोले, तुम किसके लिए ये फूल ले जा रहे हो और कुबेर की आज्ञा के बिना ही इन पुष्पों का विध्वंस क्यों कर रहे हो? गरुण ने उत्तर दिया, हम भगवान श्री कृष्ण के लिए इन पुष्पों को ले जा रहे हैं। भगवान के लिए हमें किसी की अनुमति आवश्यक नहीं दिखती। गरुण की इस बात से हनुमान जी कुछ गर्म हो गए और उनको पकड़कर अपनी कांख में दबाकर आकाश मार्ग से द्वारकावासी संत्रस्त हो गए। सुदर्शन चक्र हनुमान जी की गति को रोकने के लिए उनके सामने जा पहुंचा। हनुमान जी ने झट से उसे दूसरी कांख में दाब लिया। भगवान श्री कृष्ण ने तो ये सब लीला ही रची थी। उन्होंने अपने पार्श्व में स्थित रानियों से कहा, देखो हनुमान क्रुद्ध होकर आ रहे हैं। यहां यदि उन्हें इस समय सीताराम के दर्शन न हुए तो वे द्वारका को समुद्र में डुबो देंगे। अतएव तुम में से तुरंत कोई सीता का रूप बना लो, मैं तो देखो ये राम बना। इतना कहकर वे श्री राम के स्वरूप में परिणत होकर बैठ गए। अब जानकी जी का रूप जब बनने को हुआ तो कोई भी ना बन सकी। अंत में उन्होंने श्री राधा जी को स्मरण किया। वे आईं और झट श्री जानकी जी का स्वरूप बन गईं। इसी बीच हनुमान जी वहां उपस्थित हुए। वहां अपने इष्ट देव श्री सीताराम जी को देखकर उनके चरणों पर गिर गए। इस समय भी वे गरुण और सुदर्शन चक्र को बड़ी सावधानी से अपनी दोनों बगलों में दबाए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने राम वेश में उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारी कांख में ये क्या दिखलाई पड़ रहा है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं सरकार, ये तो एक दुबला सा क्षुद्र पक्षी निर्जन स्थान में मेरे श्री राम भजन में बाधा डाल रहा था, इसी कारण मैंने इसे पकड़ लिया। दूसरा ये चक्र सा एक खिलौना है, ये मेरे साथ टकरा रहा था अतएव इसे भी दाब लिया है। और आपको यदि पुष्पों की आवश्यकता ही थी तो मुझे क्यों नहीं स्मरण कर लिया? ये बेचारा पखेरु महाबली शिव भक्त यक्षों के सरोवर से बलपूर्वक पुष्प लाने में कैसे समर्थ हो सकता है? भगवान ने कहा, अस्तु इन बेचारों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुम जाओ और अपने स्थान पर स्वच्छंदतापूर्वक भजन करो। भगवान की आज्ञा पाते ही हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र और गरुण दोनों को छोड़ दिया और उन्हें पुनः प्रणाम करके जय श्री राम कहते हुए गंधमादन की ओर चल दिए। गरुण को गति का, सुदर्शन को शक्ति का और रानियों को सौंदर्य का बड़ा गर्व था। वो एकदम चूर्ण हो गया।